दोस्तों, ब्रॉक लेसनर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ब्रॉक लेसनर एक ऐसे इंसान का नाम है जो किसी भी इंसान या फिर चाहे वो WWE का कोई रेसलर ही क्यों ना हो, ये आसानी से उसे धूल चटा सकते हैं। ब्रॉक शहर में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि वो गांव में अपनी सादा जिंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनको काउबॉय भी कहा जाता है और रिंग के अंदर वो बीस्ट इनकार्नेट के नाम से जाने जाते हैं। ये सिर्फ एक कमाल के रेसलर ही नहीं, बल्कि वो माजी में रग्बी और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के भी चैंपियन रह चुके हैं। दूसरे रेसलर्स से लड़ते हुए ब्रॉक की ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, जब वो रिंग में जाते ही बड़े बड़े रेसलर्स को बच्चों की तरह उठा कर फेंकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको WWE के सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर के बारे में दिलचस्प हकायक बताऊंगी। आप देख रहे हैं फैक्ट्स की दुनिया और मैं हूं नम्रा अरोज। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का आगाज करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के नाम से मशहूर इस रेसलर का असल नाम ब्रॉक एडवर्ड लेसनर है। ये 12 जुलाई 1977 को अमरीकी रियासत साउथ डेकोटा के इलाके वेबस्टर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम रिचर्ड लेसनर और वालिदा का नाम स्टीफन लेसनर है और ब्रॉक अपने गांव में एक फार्म पर बड़े हुए हैं। ब्रॉक के 2 भाई भी हैं जिनका नाम ट्रॉय एंड चैड लेसनर है। ब्रॉक स्कूल और कॉलेज के दौरान ही चैंपियन रेसलर बन चुके थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में आर्मी नेशनल गार्ड्स में काम करना शुरू किया, मगर आर्मी वालों ने ब्रॉक की कलर ब्लाइंडनेस की वजह से उनको निकाल दिया था, क्योंकि इसकी वजह से ब्रॉक को कई रंग नजर ही नहीं आते थे। फैक्ट नंबर 2। ब्रॉक अपनी निजी जिंदगी में इंतहाई शर्मीले और अकेले रहने वाले इंसान हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी किसान के तौर पर गुजारना चाहते हैं और वो आज भी बाकी सेलिब्रिटीज की तरह अय्याश जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि ब्रॉक के मुताबिक उनकी जिंदगी का बेहतरीन दिन वो होता है जब वो बीवी और बच्चों के साथ घर में होते हैं, और वो घर भी किसी शहर में नहीं बल्कि गाँव में ही हो। ब्रॉक मीडिया और फोटोग्राफर्स को हमेशा ही नापसंद करते हैं। इसके अलावा वो इंटरव्यूज देने और अपनी जाती जिंदगी के बारे में बात भी नहीं करते। ब्रॉक को जानवरों की हंटिंग का बहुत ही शौक है और अक्सर इस मामले में ये कानून तोड़कर अदालतों के चक्कर लगाते नजर आते हैं। ब्रॉक का कहना है कि उनको खुली और ताज़ा हवा में रहने का बहुत शौक है, इसी वजह से उनके तमाम घर किसी जंगल या फार्म हाउस में ही मौजूद हैं। दोस्तों, अपनी जवानी के दौरान ब्रॉक का निकोल मैकलिन मॉडल के साथ लंबे अरसे तक अफेयर रहा, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं। उन दोनों के जुड़वा बच्चे मायालिन और लूक हैं, जो कि अमेरिका में चैंपियन एथलेट हैं। इसके बाद उन्होंने WWE की डेवा रेना मैरो सेवल के साथ शादी की, जो कि काफ़ी अरसे रेसलिंग की दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी। उनके बाद ब्रॉक के 2 बेटे टर्क और डूक हैं। ब्रॉक और उनका खानदान कनाडा के एक गांव मैरीफील्ड सस्केचवान में रहते हैं। ये इलाका कनाडा के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। फैक्ट नंबर 3। जिन आर्मी वालों ने ब्रॉक को आर्मी से निकाल दिया था, तो फिर उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में कदम रखा। उन्होंने एक रेसलिंग की स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में दाखिला लिया और यहाँ पर उनके आगे फ्यूचर के दोस्त और WWE के स्टार शेल्टन बेंजामिन भी थे। ये दोनों नौजवान रेसलर न सिर्फ बेहतरीन दोस्त बन गए, बल्कि बेंजामिन और ब्रॉक की जोड़ी आगे जाकर टैग टीम पार्टनर भी बनी, और आज भी WWE में इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। ब्रॉक ने 4 साल कॉलेज के दौरान NCAA में रग्बी भी खेली, जहां पर वो एक कामयाब खिलाड़ी रहे और उनका रिकॉर्ड 106 विंस और 5 लॉस है। फैक्ट नंबर 4। साल 2000 में ब्रॉक ने अपने बेहतरीन दोस्त बेंजामिन के साथ WWE के ट्रेनिंग इलाके ओहायो वैली ऑफ रेसलिंग में हिस्सा लेना शुरू किया, और यहीं पर उनकी मुलाकात उस आदमी से हुई जो आगे भी उनका मैनेजर बना, जिसका नाम है पॉल हेमन। ब्रॉक ने साल 2000 से लेकर साल 2002 के दौरान उस जगह पे ट्रेनिंग के मैचेस में हिस्सा लिया। इन दिनों उनके टैग टीम पार्टनर और उनके बेहतरीन दोस्त बेंजामिन भी थे, और यही ब्रॉक के बहुत से मुस्तकबिल के सुपरस्टार्स के साथ मुकाबले भी हुए, जिनमें डेव बैटिस्टा भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 5। साल 2002 में ब्रॉक ने अपने मैनेजर पॉल हेमन के साथ WWE में एक धमाकेदार एंट्री मारी। उनको द पेन और द नेक्स्ट बिग थिंग का नाम दिया गया, और सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रॉक लेसनर रेसलिंग की तारीख के कम उम्र तरीन WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बन गए। चैंपियन बनने से पहले ब्रॉक ने इसी साल किंग ऑफ द रिंग का एजाज भी अपने नाम किया। उनकी पहली और सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हार्डी बॉयज, RVD, डडली बॉयज,
द बिग शो और अंडरटेकर से हुई, और यही वो लड़ाइयाँ थीं जिनमें दुनिया को पता चलने लगा कि ब्रॉक कोई आम बंदा नहीं बल्कि वो दूसरे खिलाड़ियों से बहुत ही अलग है। उन्होंने अपने WWE के करियर के पहले 130 दिनों में ही अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप और किंग ऑफ द रिंग का टाइटल भी जीत लिया था, और इस खेल में उनकी कामयाबी रफ्तार ना काबिले यकीन थी। तमाम WWE के फैंस उनके दीवाने हो चुके थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ब्रॉक साल 2002 से 2004 के दौरान भी WWE का हिस्सा रहे। इसी दौरान उनके सबसे ज्यादा दुश्मनी अंडरटेकर, बिग शो और गोल्डबर्ग से रही, और उन्हीं के साथ ब्रॉक के सबसे ज्यादा मैचेस भी रहे। ब्रॉक विवाहित खिलाड़ी हैं जिन्होंने रेसलिंग की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस में अब तक अंडरटेकर को हराया है। ब्रॉक का इस दौर का सबसे आखिरी मैच गोल्डबर्ग के साथ हुआ, और इस मैच में रेफरी कोई और नहीं बल्कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन थे। ये मैच ब्रॉक और गोल्डबर्ग का आखिरी मैच था, और इसके बाद दोनों ही काफी अरसे के लिए रेसलिंग छोड़ गए। ये मैच ब्रॉक पूरी तरह हार गए थे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों रेसलिंग छोड़ने के बाद ब्रॉक ने UFC की दुनिया को ज्वाइन किया, और यहाँ पर वो एक जबरदस्त मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने आए। 2005 से 16 के दरमियान ब्रॉक ने 9 लड़ाइयां लड़ी जिनमें से सिर्फ 5 ही जीत सके। ब्रॉक यहां पर भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और वो काफी बार UFC के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों किक बॉक्सिंग से बोर होकर एक बार फिर से ब्रॉक ने साल 2012 में रेसलिंग में कदम रखा। अब उनका नाम द बीस्ट इनकार्नेट था। वो आते ही रेसलिंग की दुनिया में खौफ और दहशत की अलामत बन गए, जो कि आज भी अपनी मिसाल आप है। ब्रॉक ने आते साथ ही जॉन सेना की एक ऐसी पिटाई की कि लोग आज भी उसको भूल नहीं पाए। इस मैच में ब्रॉक ने सेना को 15 बार जर्मन सुप्लेक्सेस लगाई, जिसके बाद जॉन सेना बिल्कुल ही बेहोश होकर मैच हार गए थे। ब्रॉक की अगली कुछ लड़ाइयाँ शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के साथ हुई, जिनमें उन्होंने दोनों के बाजू ही तोड़ डाले। साल 2014 में ब्रॉक का मुकाबला स्लेमेनिया में अंडरटेकर से हुई। उस वक्त तक दुनिया में ये मशहूर था कि अंडरटेकर कभी भी रेसलमेनिया के मैच में आज तक नहीं हारे, और ना ही इनको कोई हरा सकता है। इन दोनों टाइटन्स का ये मुकाबला पिछली कई दहाइयों का सबसे बेहतरीन मुकाबला साबित हुआ, और ब्रॉक ने आखिरकार अंडरटेकर को इसमें हरा दिया। इसके बाद ब्रॉक ने मुसलसल बहुत सी मर्तबा WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में भी जीती है, और एक मर्तबा 2017 से 18 के दौरान वो एक ही साल में सबसे ज्यादा यूनिवर्सल चैंपियन भी रहे। इस दौरान ब्रॉक की बहुत से खिलाड़ियों से जंगें हुई, जिनमें सबसे बड़े नाम रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, कॉफी किंगस्टन, ब्रॉन स्ट्रोमैन और AJ स्टाइल्स हैं। फैक्ट नंबर 9, ब्रॉक बहुत ही शर्मीले और प्राइवेट इंसान है। उनके WWE में किसी से भी कोई ज्यादा दोस्ती नहीं है, और वो जब भी लड़ने के लिए आते हैं तो सिर्फ अपने मैच के वक्त पर आते हैं और मैच के खत्म होते ही वापस चले जाते हैं, और दूसरे WWE सुपरस्टार्स के साथ बैठकर खुशगपियां नहीं करते, जिसकी वजह से कई लोग उनको मगरूर भी कहते हैं, जो कि खुद से दूसरों को कम ही समझता है। मगर ब्रॉक अपने मुंह से बोल चुके हैं कि वो किसी किस्म के पीपल्स पर्सन नहीं बनना चाहते, और उन लोगों में बैठना, मिलना और बातें करना उन्हें पसंद नहीं। फैक्ट नंबर 10, ब्रॉक WWE में बहुत से रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। वो माजी में सबसे कम उम्र WWE चैंपियन भी रह चुके हैं, और इसके अलावा वो साल 2003 में रॉयल रंबल भी जीत चुके हैं, और साल 2020 में उन्होंने 13 खिलाड़ियों को मैच से अकेले ही बाहर निकाला, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। ब्रॉक का एक जबरदस्त रिकॉर्ड ये भी है कि उन्होंने 3800 दिनों के वक्फे के बाद एक टाइटल अपने नाम किया, और ये WWE की तारीख में दोबारा चैंपियन बनने के दौरान सबसे ज्यादा लंबा वक्फा माना जाता है। आज ब्रॉक दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि रेसलिंग की टीम एवोल्यूशन के चारों खिलाड़ियों के ट्रिपल एच, बटिस्टा, रेंडी ऑर्टन और रिक फ्लेयर के खिलाफ लड़ चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की गर्मा गर्म WWE की खास वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट खिलाड़ी के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा।